हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टू लर्न। आपको मेरी वीडियो का टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है द मून। In today's video, you are going to learn about the interesting facts about the moon. Children, you must have seen the moon shining brightly at night. बच्चों, आपने रात में देखा होगा कि मून यानी चांद आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम मून के बारे में यानी चांद के बारे में जानते हैं। Moon is the natural satellite of the Earth. It is the fifth largest natural satellite in the solar system. It revolves around the Earth. Moon पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है. It takes 27 days and nearly 3 hours to go round the Earth once. मून पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में 27 दिन और लगभग 3 घंटे का समय लेता है। द डिस्टेंस ऑफ द मून इज़ अबाउट 384,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। चांद से पृथ्वी की दूरी लगभग 384,000 किलोमीटर है। द मून लुक्स वेरी स्मॉल लाइक सन फ्रॉम द अर्थ। चांद सूरज की तरह पृथ्वी से बहुत ही छोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि चांद पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर है। लाइक द अर्थ द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। पृथ्वी की तरह चांद के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। उसे वो प्रकाश कहाँ से मिलता है? उसे वो प्रकाश सूरज से मिलता है। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि जिस पृथ्वी में हम रहते हैं उस पृथ्वी के पास भी अपनी खुद की लाइट एंड हीट नहीं है, उसे भी वो हीट एंड लाइट सूरज के थ्रू मिलती है। उसी तरीके से चांद को भी अपनी लाइट सूरज के थ्रू मिलती है। चिल्ड्रन, यू मोस्ट हैव सीन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून कीप्स ऑन चेंजिंग। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो चांद का ब्राइट पार्ट होता है, चमकता हुआ पार्ट होता है, वो चेंज होने में रहता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो चांद है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती रहती है। फ्रॉम द अर्थ We see only those parts of the moon. पृथ्वी से हम चांद का उतना ही हिस्सा देख सकते हैं which are lighted by the sun. उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। Thanks for watching everyone.